इस समय की वड्डी खबर सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम दे नाल जुड़ी हुई है। जी हाँ, गुरमीत राम रहीम जेल तो बाहर आ चुके ने। दस दिए कि रोहतक की सुनारिया जेल विच जबर जना अते हत्या के दोष विच जेल कट रहे गुरमीत राम रहीम नू 48 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है। सुनारिया जेल तो सवेरे 6 बजे गुरमीत नू पैरोल ते बाहर कढ़िया गया, जिस तो बाद राम रहीम बीमार मां नू मिलन लई गुरुग्राम गए। ओथे सुरक्षा इंतजामा अते उना दे पैरोकारा की भीड़ जमा ना होवे, इस लई पुख्ता इंतजाम भी किते गए। दस दिए कि हाल ही विच गुरमीत राम रहीम नू रोहतक PGI विच भर्ती करवाया गया सी, जिथे कि उना दी जांच दौरान पाया गया कि उना नू कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इस करके राम रहीम नू वापस सुनारिया जेल विच भेजना पिया। इस 2 दिन बाद राम रहीम ने मां दी तबीयत खराब होने दा हवाला दे के पैरोल मंगी सी, जिस तो बाद राम रहीम नू पुलिस दी निगरानी हेठ 48 घंटे दी पैरोल दित्ती गई है। दसिया जा रहा है कि राम रहीम दी मां दी तबीयत खराब है ते उना नू गुरुग्राम दे हस्पताल विच भर्ती करवाया गया है। इस समय दी वड्डी खबर सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम दे नाल जुड़ी हुई है। जी हाँ, गुरमीत राम रहीम जेल तो बाहर आ चुके ने। दस दिए कि रोहतक दी सुनारिया जेल विच जबर जना अते हत्या दे दोष विच जेल कट रहे गुरमीत राम रहीम नू 48 घंटे दी कस्टडी पैरोल मिली है। सुनारिया जेल तो सवेरे 6 बजे गुरमीत नू पैरोल ते बाहर कढ़िया गया, जिस तो बाद राम रहीम बीमार मां नू मिलन लई गुरुग्राम गए। ओथे सुरक्षा इंतजामा अते उना दे पैरोकारा दी भीड़ जमा ना होवे, इस लई पुख्ता इंतजाम भी किते गए। दस दिए कि हाल ही विच गुरमीत राम रहीम नू रोहतक PGI विच भर्ती करवाया गया सी, जिथे कि उना दी जांच दौरान पाया गया कि उना नू कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इस करके राम रहीम नू वापस सुनारिया जेल विच भेजना पिया। इस 2 दिन बाद राम रहीम ने मां दी तबीयत खराब होने दा हवाला दे के पैरोल मंगी सी, जिस तो बाद राम रहीम नू पुलिस दी निगरानी हेठ 48 घंटे दी पैरोल दित्ती गई है। दसिया जा रहा है कि राम रहीम दी मां दी तबीयत खराब है ते उना नू गुरुग्राम दे हस्पताल विच भर्ती करवाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट TV।